उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शेखावाटी विवि में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा, राष्ट्रहित को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंका जाना गलत है। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाते हैं, वे गलतफहमी में हैं। उपराष्ट्रपति ने आज की पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझने की सलाह दी। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का महत्व है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस की याद दिलाने का भी जिक्र किया। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का हवाला दिया। धनखड़ ने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अन्य अवसरों की चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शेखावाटी विवि में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा, राष्ट्रहित को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंका जाना गलत है। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाते हैं, वे गलतफहमी में हैं। उपराष्ट्रपति ने आज की पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझने की सलाह दी। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का महत्व है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस की याद दिलाने का भी जिक्र किया। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का हवाला दिया। धनखड़ ने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अन्य अवसरों की चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शेखावाटी विवि में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा, राष्ट्रहित को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंका जाना गलत है। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाते हैं, वे गलतफहमी में हैं। उपराष्ट्रपति ने आज की पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझने की सलाह दी। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का महत्व है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस की याद दिलाने का भी जिक्र किया। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का हवाला दिया। धनखड़ ने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अन्य अवसरों की चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शेखावाटी विवि में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा, राष्ट्रहित को निजी और राजनीतिक स्वार्थ से कम आंका जाना गलत है। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाते हैं, वे गलतफहमी में हैं। उपराष्ट्रपति ने आज की पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझने की सलाह दी। उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस का महत्व है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस की याद दिलाने का भी जिक्र किया। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का हवाला दिया। धनखड़ ने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अन्य अवसरों की चर्चा की।